इधर रख के मस्त वीडियो बोल रेडी काई लड़ा पिला रख रख आसी रख हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय जगन्नाथ। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो घर में तो मस्ती चल रहा है, छुट्टी बहन सूरत से आया है तो हम भी भुवनेश्वर आ गए हैं। तो बाबा के घर सचमुच छुट्टी का दिन ना बहुत अच्छे से गुजर रहा है। तो इस टाइम पर हमारे एक अंकल है, वो उनके बागीचे का आम है, तो कितने सारा आम लाए, ये तो इतना ही आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आम है। तो आम की हम एक चटपटा आइटम बनाए, इसके साथ वो बनाए हैं चिकन कोस्ता, डाली भात और आम की चटनी। तो गाइज, आज लोग ना हम ऐसे ही डिसाइड किए कि हम जाएंगे घूमने के लिए बच्चों के साथ नंदनकानन। सो बच्चे लोग, हम तो बहुत बार गए हैं लेकिन बच्चा हमारे जो मेरी गुड़िया बहन की बेटी, तो वो छोटी थी तो वो नहीं जान पाई थी, तो अब वो समझदार हो गए हैं। तो हम जाएंगे, आज डिसाइड किए कि हम जाएंगे नंदनकानन। तो बहू बोले नंदनकानन में क्या क्यों खाना लंच, तो घर में एक डायरेक्ट लंच करके निकल जाओ। तो हम निकलेंगे 11 बजे, लेकिन वो जल्दी जल्दी उठ के रसोई की काम ख़त्म करके हमारे लिए खाना बनाकर रेडी कर लिया है। तो जो जहाँ भी जाना है घर में खाकर निकल जाना, तो दिन भर का खाना का टेंशन नहीं रहेगा। तो देखो, ये आम की चटपटा चटनी बहुत मज़ेदार है, बहुत ही चटपटा टेस्टी था। तो हम पहुंच गए नंदनकानन। तो एक्चुअली गाइस, नंदनकानन जब भी जाना है तो जल्दी जाने की कोशिश करना, क्योंकि नंदनकानन जो 2 बजे तक सारे जानवर खाकर रेस्ट कर रहे होंगे, तो आप देख नहीं पाओगे। तो आप जब भी नंदनकानन जाना, जल्दी निकल जाना घर से। तो फाइनली हम गाइस पहुँच गए नंदनकानन। तो चलो चलो गाइस। चलो बॉस गला हो ए पिला Yeah.
गाइस बहुत धूप हो रहा था तो थोड़ी देर हम पेड़ के छाया में रुकने के बाद तो गाइस बहुत मज़ा आया। हम पहले टाइगर मामा को देखे और बियर को भी देखे, इसके बाद बियर माने भालू भालू को भी देखे, इसके बाद लायन को देखकर हम चले सिंह सफारी के लिए, जो बॉस में जाना पड़ेगा। मेरी लाइफ टाइम का फर्स्ट सिंह सफारी है। बहुत बार हम नंदनकानन आए हैं लेकिन सिंह सफारी कभी नहीं हम आए थे, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो इसी का भी मज़ा लेते हैं गाइस। तो चलो चलते हैं गाइस। अच्छी नहीं आगे बोले बोले अकल
अंकल देखो छेड़ा आउ के लोग नहीं ड्राइवर अंकल आखिर वाला गेट खोल लगा रहे जाएगी पक्षे रे हो बाबा गेट खोल लो अब কি বড় गाइज हम गाड़ी में तो बैठ गए सिंह सफारी के लिए, लेकिन बहुत देर ऐसे जाने थे, सिर्फ मोर ही देख रहे थे और हिरन भी देख रहे थे, लेकिन हमको ना कोई टाइगर दिख रहा था ना कोई लायन दिख रहा था। तो ऐसे बच्चों का जो देखने का जो चाह है ना और भी बढ़ गया था। तो फाइनली जाके बहुत देर के बाद टाइगर देखने को मिला। पापा नियो 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 करो करो बाबू लागे लागे जगह छि बैठे ये बागा कैमरा देखो देखो हमर बागा भाई मारे तले अरे हमर कैमरा एखनो रहिस देखो ओय जगह ओय जगह नील नील चलो नील कैप्चर ओय जगह নাইনা টিকে আঘু টিকে আঘু দিয়ে রখা 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 হ্যাঁ বিলা ভিতর হরণ ভালো সব ছাড় দৌ গোটে ঘন্টায় লাইন টা খোঁজুছেন সে মিলনি না না সেত খোঁজলে। गाइज फाइनली सिंह सफारी में बहुत मज़ा आया। मेरे लाइफ टाइम का ये फर्स्ट टाइम सिंह सफारी है जो बॉस में ऐसे खुले में लायन टाइगर को देखना, तो बहुत मज़ा है। ऐसे देखते देखते 5 बज गया था, लेकिन हम जो स्नेक वाला एरिया है ना वो हम नहीं जा पाए। ये जो डायनासोर के नीचे जाना पड़ेगा जो कि 5 बज गया था, तो 5 बज गया था तो वो बंद हो गया था। ऐसे चलते चलते हम पहुँच गए बर्ड्स दिखने के लिए। तो चलो चलते हैं गाइस बर्ड्स देखते हैं। आज का दिन ना मेरे मेमोरेबल, हमेशा मेरा यादगार रहेगा, मेमोरेबल रहेगा। तो बच्चे लोग के साथ हम घूम पाए, तो बहुत देर पैदल चलने के बाद पैर बहुत ज़ोर से दुख रहा था और घर में भी पहुंच गए, लेकिन वो बनाई थी अदरक वाला कड़क चाय बनाई थी, पाव के साथ हम नाश्ता किए। इसके बाद पैर ज़ोर से दुख रहा था तो वो बोले कोई बात नहीं, रात के सोने के पहले मैं अपनी आप लोगों के पैरों में तेल ऑयल मालिश कर लूँगा तो अच्छा लगेगा। तो वो बनाई थी चिकन पकौड़ा, तो चिकन पकौड़ा वहाँ चावल और दाल बनाए थे। हम बोले और कुछ नहीं बनाना। तो गाइस ये जो आज नंदनकानन हम घूमे ना सचमुच बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि गाइस ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क है। तो बहुत आज अच्छा लगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए धरित्री ब्लॉग्स। बाय गाइस, गुड नाइट, जय जगन्नाथ।
ଭୋଜି ହେଇଛି ଯେ ନା ନା ଚାଉମିନ ହେଇଛି ନା ମ୍ୟାଗି ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ଯିବ ହେରି ଖାଇଦେ କେମିତି ଖାଇବ ନାଇଁ ହଉଛି ମୁଁ ଖାଇବ ପଡିଲା ମାମା ଆସିକି ଝାଡ଼ି ଲଗେଇଦେବ ସେ ତମେ ଗିନାରେ ତୁ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଝୋଳଟା ଏଥିରେ ପକେଇବେ ନା